जयपुर में पहले नगर निगम के पार्षद की कान्हा स्वीट्स की दुकान के स्टाफ से बहस हुई, उसके बाद पार्षद ने बदला लेने के लिए जयपुर नगर निगम के दो हूपर ड्राइवर से दुकान के सामने कचरे से भरी ट्रोलियां खाली करवा दी। यह कहना है स्थानीय लोगों का। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को पार्षद के विवाद से जोड़ा जा रहा है। यह घटना स्थित कान्हा स्वीट्स के बाहर की है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार नगर निगम पार्षद नीरज अग्रवाल सुबह करीब 8:30 बजे राजा पार्क स्थित भगत सिंह मार्ग पर कान्हा स्वीट्स पर कुछ खरीदारी करने पहुंचे, जहां पैकिंग को लेकर उनके स्टाफ से बहस हो गई। पैकिंग के 30 रुपए अतिरिक्त चार्ज मांगने पर पार्षद और स्टाफ के बीच बहस हुई थी। स्टाफ के रवैये से खफा पार्षद वहां से चले गए, लेकिन करीब 11:13 पर नगर निगम के दो हूपर कान्हा स्वीट्स की दुकान के सामने आकर खड़े हुए। इसके बाद दोनों हूपर ड्राइवरों ने हाइड्रोलिक सिस्टम चालू करके 4 कंटेनर से भरे कचरे को दुकान के बाहर पार्किंग एरिया में खाली कर दिया और वहां से चले गए। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद पार्षद ने सफाई दी है। पार्षद का कहना है कि उसके साथ सामान की पैकिंग को लेकर दुकान के स्टाफ से सही बर्ताव नहीं किया था, जिसको लेकर उनकी बहस हुई थी, लेकिन दुकान के बाहर हूपर संचालकों ने कचरा किसके कहने पर और क्यों डाला है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वहीं संस्थान का बिजनेस देख रहे धीरज माहेश्वरी का भी कहना है कि उनके पार्षद अग्रवाल से अच्छे संबंध है और विवाद जैसी कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि निगम के गाड़ी संचालकों ने कचरा क्यों डाला इसका तो हमें भी पता नहीं लग पाया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।